जय श्री श्याम बाबा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खाटू श्याम वाले बाबा की कहानी की। आज उनका जन्म उत्सव है, तो सारे भक्तों को जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। खाटू श्याम वाले बाबा, जिन्हें बलबीर के नाम से भी जाना जाता है, इसको समझने के लिए हमें क्या करना है, एक कहानी समझनी है जो है भीम से रिलेटेड। महाराजा भीम, जो पांच पांडवों में श्रेष्ठ थे, उनसे प्रेम हो जाता है हिडम्बा नामक एक राक्षसी को। हिडम्बा नामक राक्षसी इनसे विवाह करना चाहती है, अतः वे माता कुंती की आज्ञा लेकर भीम से विवाह करती है। भीम से विवाह के पश्चात जो इनका पुत्र उत्पन्न होता है, उसका नाम होता है घटोत्कच। घटोत्कच का विवाह होता है अहिलावती से। अहिलावती से विवाह के पश्चात इन दोनों से उत्पन्न संतान को बोला जाता है बरबरी। जैसे कि घटोत्कच बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं भीम के बाद, उसी पश्चात जब खाटू श्याम जी बाबा, जिन्हें बरबरी बोला जाता था, जब वे पैदा होते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा मायावी और शक्तिशाली होते हैं। अहिलावती माता रानी की बहुत बड़ी उपासिका होती है, तो वो बरबरी को इनकी उपासना करने को कहती है। इनकी उपासना से प्रसन्न होकर माँ इनको दिव्य बाणों से सुजज्जित करती है। ये दिव्य बाण वह होते हैं जो अपने लक्ष्य को भेद कर पुनः बरबरी के पास वापस आ जाते हैं, और अग्नि इनसे प्रसन्न होकर इनको दिव्य धनुष भेंट में देता है, जो इनके सिंबल के रूप में आप हर जगह यूज करते हैं। बरबरी के एक बार कृष्ण के समक्ष होते हैं, तो कृष्ण इनकी गुरु के नाते परीक्षा लेने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे तीर क्या सारे लक्ष्यों को भेद सकते हैं। बरबरी कहते हैं हाँ, भेद सकते हैं। इसके पश्चात क्या होता है, ये तीर चलाते हैं और कृष्ण महाराज अपने पैरों के नीचे एक पत्ती छुपा लेते हैं। बाण हर एक पत्ते को भेद कर इनके पैरों के पास आकर रुक जाता है। बरबरी कहते हैं कान्हा से कि आप अपना पैर हटाइए, क्योंकि आपके नीचे एक पत्ता है, मेरा तीर आपका पैर ना भेद। इसके पश्चात इनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर जब महाभारत प्रारंभ होता है, तो बरबरी किसी का साथ नहीं देते, वो कहते हैं मैं उसका साथ दूंगा जो हार रहा हो। कृष्ण को यह पता होता है कि कौरव हारेंगे, और सबको पता था, कृष्ण को भी आइडिया था कि अगर बरबरी महाराज कौरवों के साथ आ गए तो पांडवों की सेना को नष्ट होने में छड़ लगेंगे, अतः कृष्ण इनसे दान मांगते हैं और दान में इनका शीश मांग लेते हैं। तो इनका शीश कृष्ण महाराज को दे दिया जाता है, और ये कहते हैं कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मुझे पूरा का पूरा महाभारत देखने को मिले। तो कृष्ण महाराज इनको एक पहाड़ पर स्थापित कर देते हैं, वहां से ये संपूर्ण महाभारत को देखते हैं। कृष्ण महाराज कहते हैं कि आपने जो किया, उससे आपका जीवन पर्यंत नाम बना रहेगा। आधुनिक भारत में आप मेरे अवतार माने जाएंगे, आपको दुनिया श्याम बाबा के नाम से जानेगी, जो कि मेरा ही नाम है। तब से अगर आप कृष्ण की पूजा करते हैं और खाटू श्याम बाबा की भी समान पूजा करते हैं, तो दोनों सेम माने जाते हैं। खाटू श्याम बाबा के लिए कहा जाता है कि जो भी आप मन्नतें मांगते हो यहाँ पूरी होती हैं। तो खाटू श्याम बाबा जी के जन्मदिन में इतनी छोटी सी कहानी आपके सामने, हो सकता है आपको अच्छी लगी हो। जय श्री श्याम मित्रों। God bless you all.